अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आज हुई है बारिश और कबूतरों को डालना था खाना, तो इस ज़्यादा इनको डालने आए हैं खाना। ये हैं सारे हमारे कबूतर, बाकी नीचे हैं तो ऊपर इनको कवर इस तरह किया हुआ है, सारी इसकी शीट्स वगैरह लगा के इनके चादरें डाल के, और सब तरफ बारिश हो रही है। अच्छा मौसम हो गया, ठंड हो गई अच्छी खासी। ये देखिए हो रही है बारिश और सब पौधे छोदे सब धुल गए, अच्छे साफ हो गया सब। ये हमारे कबूतर सारे, ऊपर हो रही थी बारिश और मैं फिर नीचे आ गई जल्दी, थे ज़्यादा ऊपर ही हैं तो साथ साथ मैंने बनाना था खाना, तो यहाँ मैं बनाने लगी थी भिंडियाँ। और भिंडियाँ बहुत प्यारी और बहुत मज़े की भिंडी आई हुई, ताज़ी ताज़ी और छोटी छोटी भिंडी है। इसमें 3 अदद में डालूँगी टमाटर और 2 अदद टमाटर और 3 प्याज डालूंगी और हरी मिर्चें, अभी तो फ़िलहाल 1 ही मिली है। और यहाँ पे स्पाइस में थोड़े से इसमें हल्के से डालती हूँ, थोड़ी सी 1/2 चम्मच लाल मिर्च है और हसबे जायका नमक है आपका, और 1/2 चम्मच कुटी मिर्च है और ज़रा सी थोड़ी सी हल्दी इसमें डालूंगी, इतनी ख़ास नहीं, बस थोड़ी सी टेस्ट के लिए हल्दी डालूंगी कि इसका कलर चेंज होगा उसे। और साथ साथ मैं बनाना शुरू करती हूँ। और मैंने बच्चों ने कहा था कि मम्मा दाल चावल बनाना और बच्चों के लिए बना लिए दाल चावल, यहाँ पे मैंने बना ली अपनी साथ जल्दी से दाल, और बच्चे आएंगे तो मैं फिर गरम गरम करके और तड़का लगाऊंगी फिर इसको, साथ साथ चावल भी उबाल लिए, चावल मेरे उबल गए हैं, बच्चे आने लगे थे तो मैंने इसमें यहाँ पर पहले तड़के के लिए मसाला बना लिया, तो तड़का लगाने लगे पहले। यहाँ पर मैंने लगा लिया है तड़का, बहुत मज़े की दाल है, दाल चावल और मौसम भी इतना अच्छा है। ये हो गया प्याज और अब इसमें डाल देती हूँ मैं भिंडियाँ। इसी तरह इसको फ्राई कर लूँगी और फिर इसमें टमाटर और स्पाइस डाल दूँगी, इसको 10-15 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनूँगी, तो ये इसी में फ्राई हो जाएगा। वो लैदा प्याज फ्राई करो, भिंडियाँ फ्राई करो, तो लैदा से ऑयल भी ज़ाया और टाइम का भी ज़ाया इतना, तो इससे अच्छा इसी में कर लो। देखिए यहाँ पे हो गई सही, और अब इसमें डाल देती हूँ मैं टमाटर, डाल दी टमाटर और साथ ही इसमें डाल देती हूँ मसाला, डाल दी स्पाइस। ये इस तरह हो गया है, अब मैं इसको लगा देती हूँ 5 मिनट के लिए दम पे, चेक कर लेते हैं अपनी भिंडियाँ। वाह ये हमारी भिंडियाँ तैयार, टोटल 20 मिनट में बन गई है हमारी हांडी। इसको टमाटर को प्रेस करूँगी और ये घुल जाएगा क्योंकि इनके छिलके उतरे हैं। ये देखें इस तरह डालेंगी रोटियाँ, चावल पका लेती हूँ रोटियाँ जी। यहाँ पे साथ में बनाने लगे हैं चाय, आ गया था बीच में मेरा भाई और उसको मैंने खाना दिया है, खाना शाना उसने खाया, और मैंने कहा सर्दी हो रही है बारिश हो रही है तो फातिमा ने भी पीनी है चाय, तो मिलकर बैठा चाय पी के जाना, फिर साथ साथ चाय रख ली, बस बच्चे आएंगे तो खाना खाएंगे। हाँ जी मैंने बना लिए पेड़े भी, और ये है जी फातिमा के फीडर, इसका निप्पल भी देख लें, इतने बड़े निप्पल से फातिमा माशाल्लाह 7 साल की, और निप्पल इसका देखें, इसमें चाय पिएगी, तो देती हूँ चाय। तो पक गई मेरी रोटियाँ सारी और अभी तक बच्चे नहीं आए, काली में रोटी, बच्चे आ गए स्कूल से और बच्चों को हो गई हैं छुट्टियाँ, बच्चे खुशी के मारे उछल रहे हैं। चलो एक तरह से बच्चे सर्दी में ज़रा से सेफ हो जाएंगे, चलो फातिमा को भी हो गई हैं, मेरी को भी हो गई हैं, और राफिया भी आ गई है, सब चेंज कर रही हैं दोनों, मीडू और फातिमा और राफिया, और इनको खाना लगाने लगी हूँ, खाना खाते हैं। और यहाँ बर्तन, जो मैं बर्तन थोड़े से धो लूँगी और फिर साथ लगाती हूँ खाना, फिर धो लूँ बर्तन में, यहाँ सारे मैंने धो लिए बर्तन और ख़त्म हो गए बर्तन, खाना खाने लगी हूँ। ये है जी हमारे दोपहर का खाना, साथ इसके दही और साथ इसकी है अचार, बहुत मज़े की दाल चावल और भिंडियाँ हैं, और इस तरीके से आप बनाएं और बहुत जल्दी और झटपट खाना बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।